यस ग्रेट। 12th स्टैंडर्ड हिंदी पेपर पैटर्न, ऊपर लिखा है अंक थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, अंक है 80 कुल मिलाकर। पहला है गद्य विभाग, इंडेक्स सामने रखेंगे तो समझ में आएगा जल्दी जल्दी। 20 मार्क्स प्रोज सेक्शन कैरीज 20 मार्क्स। अब ये 20 मार्क्स कैसे बटे हुए हैं वो हमको देखना है। देखिए ये है पहला पैसेज एंड द फर्स्ट पैसेज कैरीज 6 मार्क्स, फर्स्ट पैसेज कैरीज 6 मार्क्स। अब ये पैसेज के अंदर क्वेश्चंस क्या है वो भी जरा देख लेते हैं। देखिए आकृति पूर्ण सॉरी कृति पूर्ण कीजिए, उसमें पहला है डायग्राम, डायग्राम है मतलब डायग्राम आ सकती है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है लिखिए चंचल मन को नियंत्रण में रखने के उपाय 1 मार्क, पहले डायग्राम को भी 1 मार्क। 2 गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म पेयर्स सुख दुख काम धाम है ना, ये जो वर्ड्स होते हैं वो। और फिर 2 मार्क्स का पर्सनल रिस्पॉन्स अभिव्यक्ति जो हमने सीखी थी, जीवन में दया का महत्व इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए। हमारी जो बोर्ड की आंसर शीट होती है या फिर हमारा जो भी फुल स्केप पेपर है वो फुल स्केप पेपर का आधा पेज हाफ पेज इतना हमारा 2 मार्क के लिए आंसर होना चाहिए। अब देखिए 2 1 और 1 2 और 2 4, लेकिन इसमें चंचल मन को नियंत्रण में रखने का उपाय ये इट इज एज गुड एज वन लाइन आंसर, इट इज एज गुड एज वन लाइन आंसर। तो ये हो गया ये 6 मार्क का पहला पैसेज। अब 6 मार्क का दूसरा पैसेज, उसमें फिर से वापिस डायग्राम, पहले डायग्राम पहला जो पैसेज था उसमें 1 मार्क की डायग्राम आने वाली है, दूसरे पैसेज में 2 मार्क की डायग्राम है पहली। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए 2 मार्क। मां संतान की सच्ची अंतरंग सहेली होती है, इस कथन पर 40 से 50 शब्दों में अपना मत लिखिए 2 मार्क। और यहाँ पे 6 मार्क का हमारा पैसेज खत्म हो गया। अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि गद्य विभाग इज इक्वल टू 20 मार्क्स, गद्य विभाग इज इक्वल टू 20 मार्क्स। अब उसमें लिखेंगे टू पैसेजेस इंटू 6 मार्क्स इज इक्वल टू 12 मार्क्स, टू पैसेजेस इंटू 6 मार्क्स इज इक्वल टू 12 मार्क्स। ठीक है, अ पैसेज पहला पैसेज अ था, दूसरा पैसेज आ था प्रश्न पहला का। अब ई प्रश्न है, निम्नलिखित के उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए 3 में से 2 और मार्क्स है 6, दैट मींस ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। अब ई में क्या लिखेंगे आप, ब्रीफ आंसर्स लिखिए, ब्रीफ आंसर्स आउट ऑफ 3 2, आउट ऑफ 3 2 ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, मतलब 6 मार्क्स। अब हो गए हमारे 18 मार्क्स गद्य विभाग के। अब देखिए आप जितना समझते, निबंध नहीं है लेकिन इतना इजी नहीं है। आदर्श बदला कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, पाप के 4-4 हथियार पाठ का संदेश लिखिए, ओजोन विघटन संकट से बचने के लिए किए गए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को संक्षेप में लिखिए। ठीक है, अब अभिव्यक्ति हमने सीखी। मानसी, हेलो मानसी, हाँ ये तेरा क्वेश्चन है। अब तू जो पूछ रही थी हाँ कि अब जैसे लेखक फिर उसका नाम ये प्रस्तावना ये इसमें आएंगी, ये जो क्वेश्चन वो आएगा, वो मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को कैसे लिखना है। और फिर और लास्ट क्वेश्चन है गद्य विभाग का, लौंगी एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसके लिए
आप लोगों को एक्सक्यूज मी, इसके लिए आप लोगों को पाठ जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ना होगा 2 मार्क के लिए, क्योंकि अगर पाठ पढ़ा हुआ है तो ही एक वाक्य में उत्तर आएगा, और हम अब छोटे नहीं है कि एक वाक्य में उत्तर लर्न करते बैठेंगे, क्योंकि इसमें से कुछ भी आ सकता है आप लोगों को। उबासी आने का यॉनिंग क्यों होता है बताइए तो, डू यू नो द साइंटिफिक रीजन ऑफ यॉनिंग? यॉनिंग क्यों होता है, उबासी क्यों आती है, क्यों होता है, डू यू नो एनीबडी व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन? उबासी आने का कारण क्या है? पर्टिकुलर लेवल ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता yes, तब यस एग्जैक्टली करेक्ट, ऑक्सीजन लेवल जब कम हो जाता है तब उबासी आती है, लेकिन हम अपने घर में बड़े सुकून से बैठे हुए हैं, फैन चल रहे हैं, खिड़कियां खुली है, फिर भी अगर हमें उबासी आती है तो दैट मीन्स ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट, नॉट लैक ऑफ ऑक्सीजन। ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट, ड्यू टू लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट उबासी आती है। अब देखो मैं मजा करूंगी तुम लोगों की, अब थोड़ी देर के बाद ये निकाल दूंगी मैं, ये जो कुछ यहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को, ठीक है? फिर ये हो गया 20 मार्क्स का। अभी आपको किसी ने, मैं सपने में आऊं और पूछूं कि बेटा बता गद्य विभाग क्या है, तो फटाफट बोलना 6 मार्क के 2 पैसेजेस है, ठीक 12 मार्क के लिए उसमें 2 ब्रीफ आंसर्स है, उसमें 2 पैसेजेस में 2 ब्रीफ आंसर्स है, और बाकी 4-4 मार्क का ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद फिर ब्रीफ आंसर से जो कि 3 में से 2 लिखने हैं हम लोगों को, और 1 वाक्य में उत्तर लिखने हैं 2 मार्क के लिए। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी। पेपर पैटर्न समझ के पढ़ना मतलब स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है? 2 पैसेजेस, ईच पैसेज कैरीज 6 मार्क्स, ठीक। फिर उसके बाद ब्रीफ आंसर्स 3 में से 2 लिखने हैं, दिस क्वेश्चन ऑल्सो कैरीज 6 मार्क्स, एंड 1 वाक्य में उत्तर लिखिए 2 मार्क। सबका लर्न हो गया होगा, सबका लर्न हो गया होगा। अब दूसरा विभाग, विभाग 2 पद्य, इसे भी अब कुल मिलाकर 20 अंक है, 20 अंक है कुल मिलाकर। एक पैसेज दिया है पोएट्री का, और अ प्रश्न दूसरा है ये, और अ उसमें एक पैसेज है पोएट्री पैसेज। कृति पूर्ण कीजिए, आरती में समाया प्रकृति रीप, दैट इज डायग्राम, दैट कैरीज 2 मार्क्स। उसके बाद निम्नलिखित अर्थ के लिए कविता में प्रयुक्त शब्द लिखिए। ये क्वेश्चन हमेशा इजी होता है, मतलब आकाश तो कविता में आया है, गगन, हवा, वायु, जो भी आया हुआ होगा वो। और लास्ट में 2 मार्क का क्वेश्चन, श्रद्धा से गाया जाने वाला हरिगुण गान महाआरती है, इस विषय पर अपने विचार मतलब अभिव्यक्ति। अब देखो पहले जो पैसेज थे उसमें भी अभिव्यक्ति थी, पहले कितने मार्क्स की अभिव्यक्ति गई, 4 मार्क्स की, अभी ये कितने मार्क्स के लिए है, 2 मार्क्स के लिए, ठीक है? फिर उसके बाद अब मैं गद्य और पद्य के बाद रुकती हूँ, आप लोगों को पूछती हूँ, आपको कोई मुश्किल होंगी तो। पद्यांश पढ़कर वापिस एक पोएट्री पैसेज है 6 मार्क के लिए, वापिस वेब डायग्राम है 2 मार्क की, फिर से समानार्थी शब्द है 2 मार्क के लिए, और वापिस एक अभिव्यक्ति है, पेड़ मानव को परोपकार और सेवा की प्रेरणा देते हैं, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। अब सोचो अब तक के 8 मार्क की अभिव्यक्ति हो गई है, अब तक के 8 मार्क की अभिव्यक्ति हो गई है, ठीक है? फिर जैसे प्रोज में क्या था, तो प्रोज में था ब्रीफ आंसर्स, तो यहां पे है रसास्वादन, रसास्वादन। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर नवनिर्माण कविता का रसास्वादन कीजिए। रचनाकार का नाम, पसंद की पंक्तियां, पसंद के कारण, कविता की कल्पना, ठीक है? ये हो गया 6 मार्क का। अब उसके बाद क्या है देखते हैं। जीवन के अनुभव और वास्तविकता से परिचित कराने वाले
वृंदा जी के दोहों का रसास्वादन कीजिए, वो पहले का ही उत्तर था, पहले का ही ये कंटिन्यू हुए हुआ है क्वेश्चन रसास्वादन का। और फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए दो मार्क के लिए। अब यहाँ पे भी कैसा हो गया बेटा, दो मार्क सॉरी छह छह मार्क के दो पोएट्री पैसेजेस, फिर छह मार्क का रसास्वादन और दो मार्क के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, अभी मैं रुकती हूँ, आपको पहले पूछती हूँ कि आपको कुछ दिक्कत है क्या, फिर आगे चलती हूँ, फिर आगे चलती हूँ। बोलिए तीसरे विभाग पे फिर। जानवी मैम रसास्वादन में क्या मतलब? बेटा रसास्वादन में ऐसा है दैट इज इजी, ब्रीफ आंसर के इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको दिए हुए रहेंगे। ये देखिए, ये देखो मैं बताती हूँ कैसे दिए हुए रहेंगे, लेकिन पोएट्री पैसेज नहीं दिए हुआ रहेगा, इतना ध्यान में रखो। जैसे अब यहाँ पे नवनिर्माण कविता का रसास्वादन कीजिए। अब पहला है रचनाकार का नाम, तो आपको नंबर एक है रचनाकार का नाम। फिर दो पसंद की पंक्तियां। अब इसके लिए एक ट्रिक है, एक ट्रिक ऐसी है इसके लिए कि आप लोगों को कोई पोएम नहीं लर्न करने की है, हर एक पोएम का आपको क्या करना है, तो दो लाइन ऐसी ढूंढ के रखना कि जो आपकी लर्न है, क्योंकि आपको थोड़ी पता है कि रसास्वादन में कौन सी कविता आने वाली है, तो हर पोएम की दो पंक्तियां लर्न करके रखना, वो पसंद की पंक्तियां। अब पसंद के कारण कि आपको ये कविता जो है, ये काव्य रचना जो है, ये पसंद आई, तो वो पसंद आने का क्या कारण है वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर ये कविता की मध्यवर्त कल्पना कौन सी है, व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पोएम। अब जैसे नवनिर्माण जो है, वो नवनिर्माण की क्या कॉन्सेप्ट है कि कवि पूरी समाज की रचना ही नवनिर्मित करना चाहता है, सारे भेद वगैरह जो है वो मिटा के, तो वो हर एक में लिखा के दूंगी आप लोगों को, समझाऊंगी भी, उसकी कोई फिकर नहीं है। एंड बेटा दिस इज कॉल्ड रसास्वादन। और एक क्वेश्चन है, जीवन के अनुभव और वास्तविकता से परिचित कराने वाले वृंद जी के दोहों का रसास्वादन कीजिए। और एक है, और है मतलब उसको और ऑप्शन दिए हुआ है एक, ये पांच क्वेश्चन कीजिए, या फिर जीवन के एक वृंदा जी के दोहे नाम की जो पोएम है उसका कीजिए, एनीथिंग, ऑप्शन इज देयर, यू कैन डू, चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। एनीथिंग एल्स, एनीबॉडी एल्स? नो मैम। ओके चलो आगे। अब विभाग तीन है विशेष अध्ययन। ये विशेष अध्ययन में कौन से चैप्टर्स है वो मैं बाद में बताती हूँ। एक काव्य पंक्तियां जो है वो दी हुई है आप लोगों को पहले, ठीक है, वो छह मार्क के लिए है, ये अनसीन रहेंगी, वो छह मार्क। पहले इसमें दो डायग्राम्स दिए हुए हैं दो मार्क के लिए, उसके बाद फिर और दो मार्क के लिए आप लोगों को दिए हुआ है विलोम शब्द, दो और दो चार। व्यक्ति को कर्म प्रधान होना चाहिए, कर्मा थियरपी, कर्मा मैटर्स, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखे, वापिस अभिव्यक्ति हो गई। अमित अब तक कितने मास की अभिव्यक्ति हो गई? वाधवानी जी 10 मार्क्स करेक्ट। किसी एक का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए, दो में से एक। कृष्ण के प्रिय आम की डाली काटने के कारण लिखिए और राधा के अनुसार युद्ध का अर्थ बताइए। ठीक है, वापिस एक बार पीछे चलते हैं। ये देखिए, ये राधा जी की कविता है और ये पूरा का पूरा जो है ये अनसीन है, ये अनसीन है, और अनसीन हम कितने भी 50 करेंगे तो भी 51 कौन सा आएगा पता नहीं, इसलिए इसकी हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि ये कितने मार्क्स के लिए है, 10 अंक है इसके लिए, और समझ के ही हम लोगों को करना है। ठीक है, उसके लिए 3-4 दिन देने होंगे हम लोगों को। अब विभाग 4 व्यावहारिक हिंदी, प्रैक्टिकल हिंदी, इसमें क्या क्या है, अपठित गद्यांश,
एवं पारिभाषिक शब्दावली, ये मिला के 20 अंक है। अब निबंध नहीं है जो मैंने कहा, तो ब्लॉग है। किसको पता है ब्लॉग क्या होता है? अभी ये आज का अगर यहाँ पे खत्म हो गया तो वापिस नहीं आना है मीटिंग के लिए, फिर मैं मिलती हूँ मंडे को आप लोगों को। बोलिए व्हाट इज ब्लॉग? अरे बोलो यार, मैं अकेली बात कर रही हूं। ब्लॉग क्या है? ब्लॉग किसे कहते हैं? डू यू नो अबाउट ब्लॉग? ब्लॉग लेखन क्या होता है? किसी को तो पता होना चाहिए। नमित मैम, ब्लॉग के अंदर अपन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते कोई चीज के बारे में। करेक्ट, पर्टिकुलर। करेक्ट, कोई। हाँ जैसे कि, हाँ बोल बोलो। जैसे कि अपने सामने एक ऑब्जेक्ट है जैसे कि हनुमान जी की मूर्ति है, तो उधर का जो अपन वो पूरे मंदिर घूमे उसका एक टाइप का अपन ने सब ब्लॉग लिखते हैं, इंटरनेट पे मोस्टली डालते। करेक्ट, मतलब वो किसी का स्पिरिचुअल हो सकता है, किसी का रिलीजियस हो सकता है, किसी का फूड ब्लॉग होता है। अभी मैं एक फूड ब्लॉग लिखती हूँ, अभी शुरू किया है मैंने। उसके पहले मैंने एक सोशल ब्लॉग लिखा था, जीना इसी का नाम है। तो जीना इसी का नाम है के 15 एपिसोड्स लिखे थे। उसके बाद फिर मैंने मैं दूंगी आपको मेरे ब्लॉग जो है उसकी लिंक। तो ब्लॉग मतलब कि हमारी जो सोच है वो अपने शब्दों में लिखना। अब जैसे यहाँ पे दिया है दोस्ती विषय पर ब्लॉग लेखन कीजिए, लेकिन हमको वो कोई 5th 6th 7th वाली दोस्ती नहीं लिखनी है कि यार मेरा वो दोस्त है और मैं उसके साथ चाय पीने जाता हूँ और ये करता हूँ और वो करता हूँ। अब मैं आपको एकदम अच्छे से दोस्ती विषय पर ब्लॉग लिख के दूंगी, ठीक है? लेकिन अब आपका काम थोड़ा सा यहाँ पे आसान कर दिया है, आसान ऐसा कर दिया है, उसको ऑप्शन है। ऑप्शन है, एक पैसेज दिख रहा है आपको और वो पैसेज जो है उसके नीचे वापिस जैसे पहले पैसेज के क्वेश्चंस थे वैसे ही क्वेश्चंस दिए हुए, वैसे ही 2 और 2 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स और उसके बाद फिर पर्सनल रिस्पॉन्स, बिना विचारे जो करे वो 5-6 पछताए। बिना विचार करके जो काम करता है वो बाद में पछताता है। इस उक्ति पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार प्रकट कीजिए। अब अभिव्यक्ति कितने मार्क्स की हो गई अखिलेश? अब तक का सफर 12 मार्क्स। हाँ, और अगर हमने विशेष अध्ययन की वो कविता की भी पकड़ी समझो तो वो हो गए 14 मार्क्स। बराबर है तेरा, करेक्ट है 12 मार्क्स। निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। पल्लवन की प्रक्रिया और शैली पर प्रकाश डालिए। उत्तम संचालक बनने के लिए आवश्यक गुण विस्तार से लिखिए। अब ये एक स्पेशल सेक्शन है आपके टेक्स्ट बुक में व्यावहारिक हिंदी का। संचलन का मतलब है एंकरिंग, संचलन का मतलब है एंकरिंग। तो एंकरिंग है आपके पास, ब्लॉग लिखना है आपके पास, वृत्त लेखन है आपके पास, तो इसमें से। लेकिन यहाँ पे भी काम थोड़ा सा आसान हो गया है आपका। आ ये 80 से 100 शब्दों में लिखिए या फिर सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए, इजी है। बराबर, स्नेहा को पुरस्कार इसलिए दिया जा रहा था, 2 ऑप्शन है, समाचार लेखन, ब्लॉग लेखन, निबंध लेखन, फीचर लेखन। ये इजी है ना ज्यादा, 4 मार्क के लिए। इज इट हाँ, तो ये इजी है उससे ज्यादा। तो ये करते हैं, बाद में डिसाइड करेंगे हम हमको क्या करना है और क्या छोड़ना है। फिर अपठित गद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए, वापिस 6 मार्क्स के लिए है ये, 6 मार्क्स के लिए। 2 मार्क का एक आंसर था, फिर विलोम शब्द, उसके बाद अंगदान, महादान, इस पर 40 से 50 शब्द। बॉडी डोनेशन इज द ग्रेट डोनेशन। 40 से 50 शब्दों में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। 2 मार्क अभिव्यक्ति, 14 मार्क की तो अभिव्यक्ति हो गई। अभिव्यक्ति की हम लोगों को बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। निम्नलिखित से किन्हीं 4 पारिभाषिक शब्द लिखिए, तो ये जल्दी से जल्दी आप लोगों ने खत्म कर देना 4 मार्क का क्वेश्चन। मैं आप लोगों को नेक्स्ट थर्सडे तक का टाइम देती हूँ। टेक्स्ट बुक में लास्ट में पारिभाषिक शब्द दिए हुए हैं, अंग्रेजी के शब्द जो है उन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं वो दिए हुआ है। तो लेट अस होप कि नेक्स्ट थर्सडे को मैं ओरल लूंगी आपकी और वो ओरल में आप फटाफट सुनाएंगे मुझे। विभाग 5 व्याकरण, अंक 10 कृति 5 अ,
निम्नलिखित वाक्यों का कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए, मतलब हमको काल सीखना है, हम सीखे थे लेकिन मैं अच्छे से वापिस आपको जूम मीटिंग पे सिखाऊंगी, और ये सिग्नल्स नहीं है वगैरह का प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं हर एक मीटिंग रिकॉर्ड करती हूँ, तो मीटिंग अगर मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएंगी, वो रिकॉर्डेड मीटिंग में भेजते जाऊंगी आपको। निम्न पंक्तियों में उद्धृत अलंकार, मतलब कि एक चैप्टर है हमारा अलंकार, 2 मार्क्स, काल 2 मार्क्स, रस, रस को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटिमेंट्स, आपको बहुत मजा आएगा रस पढ़ते वक्त, क्योंकि उसमें रोमांस वोमांस भी है, तो इसलिए रस पढ़ते वक्त मजा आएगा आप लोगों को, हीरोइज्म है, रोमांस है, सब कुछ है, कॉमेडी ट्रेजेडी सब कुछ है। तो कितना हो गया देखो, अब काल कैरीज 2 मार्क्स, अलंकार कैरीज 2 मार्क्स, रस कैरीज 2 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में अब वापिस वही पेज आ गया गलती से। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उचित वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मैं सारे के सारे साल भर के मुहावरे संडे तक को आपको देने की कोशिश करूंगी, तो संडे तक के सारे पूरे पोर्शन के मुहावरे कहाँ बते जो है वो आपको मिल जाएंगे, ऐसी होप आप कर सकते हैं। और निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए, ये एक क्वेश्चन है 2 मार्क का, और शुद्ध करना है सिर्फ। अब जैसे कि पहले इसमें एक अशुद्ध शब्द मुझे दिख रहा है, विश्वास, समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, देयर शुड बी विश्वास, परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो ना तुम, कहां पे है, क्या लगता है आपको, परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो ना तुम, विच इज द इनकरेक्ट वर्ड मैम, परंपरा, सोचो और मैम, समझती, करेक्ट, समझती, करेक्ट, देयर शुड बी झ इंस्टेड ऑफ ज, मृत्यु दंड का आज्ञा हुई, मैम वो एक सजा है, मृत्यु दंड की आज्ञा, करेक्ट मैम, आज्ञा, आज्ञा की आज्ञा, ज्ञानेश्वर का आज्ञा होना चाहिए वहां पे, उनकी मजबूत डोर करती हूँ। उनकी मजबूत डोर करना चाहती हूँ, चाहती का ती, यस राइट, हाँ चाहती का ती दीर्घ होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, एंड इट मनानी है या दुख मनाना है डिपेंड्स ऑन यू, कि निबंध नहीं है इसलिए खुशी मनानी है, निबंध नहीं है, कहानी नहीं है, पत्र लेखन नहीं है, वृत्तांत लेखन नहीं है, इसकी आप लोगों को खुशी मनाने की है, या फिर वह पेपर बहुत लेंदी है, बाप रे इतना बड़ा पेपर, तो इसका दुख मनाने का है, वो आप पे डिपेंड है, ग्लास जो है वो आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, वो हर एक व्यक्ति पे अपने अपना डिपेंड होता है, तो आप लोग ये डिसाइड करना। अब मुझे लगता है कि पहले आप लोगों ने जब पेपर पैटर्न आएगा आपके पास तब आपने कितने पैसेजेस है वो पहले काउंट कर लेना, कितनी पोएट्रीज है, कितने ब्रीफ आंसर्स लिखने हैं, मुझे कितना टाइम लगता है, और हर आंसर रिमेम्बर 40 से 50 शब्दों में है, और ऐसे 13-12 आंसर हमको लिखने हैं, उसके अलावा रसास्वादन लिखने का है, और उसके अलावा गद्य विभाग जो है वो गद्य विभाग में हम लोगों को ब्रीफ आंसर्स भी लिखने के हैं, तो टोटल हमको ब्रीफ आंसर्स कितने लिखने के हैं वो पहले निकाल लेना, ग्रामर तो फटाफट हो जाएंगे।